हेलो गाइस, वेलकम टू सलाह की रसोई। आज हम साग बनाते हैं। हमने धो के बथुआ सरसों पालक कुकर में रख दिया है। अभी हम इसको उबालेंगे। मिर्ची और लहसुन है जिसे हम डालेंगे और नमक डालेंगे, एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे उबाल लेंगे। सरसों पालक और बथुए में हमने एक सीटी लगा ली है, उसमें लहसुन और हरी मिर्च नमक भी डाल दिया था। अब इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। अब हम साग का बंघार तैयार करेंगे। हमने कढ़ाई गर्म कर ली है, इसमें सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहे तो देसी घी का भी बंघार लगा सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है। हमने कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं और उन्हें छील के बारीक बारीक काट लिया है। इसका हम बंघार लगाते हैं। हमारी लहसुन की कलियाँ ब्राउन हो चुकी हैं। अब इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था सरसों पालक और बथुए का, वो डाल देंगे। उबलने में जो पानी निकला था उसको भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। साग में खद्दा आ चुका है। ये हमारा साग तैयार हो चुका है। इसमें मक्खन या घी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।